कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का समय, हम सभी भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए विश्वव्यापी अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञात डर है, विचित्र है लाचारी, सरकार कर रही है सब तैयारी, अब बनती है हमारी जिम्मेदारी। आओ सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, अधिक विश्वास बुलंद हौसलों के सामने कोरोना को भारत से भगाएं। यही आशा भी है, विश्वास भी है, भविष्य के लिए जीवन की तलाश भी यही है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहें। इन हालातों में जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताएं सुचारू रहें, नागरिकों तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें। इसके लिए जमीनी स्तर पर सरकार की पहल जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। मानव कल्याण की अनेकों योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसी ही एक योजना है जो भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए संचालित है। कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में गरीब महिलाओं तक रसोई गैस की आपूर्ति किस प्रकार की जा रही है, इस पर आज हम फोनिक बातचीत कर रहे हैं पेट्रोलियम कंपनीज के जनपद रामपुर के नोडल अधिकारी श्री रजनीश कुमार जी से। रजनीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज की बातचीत का हमारा विषय है कोविड-19 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। जी थैंक यू, धन्यवाद। रजनीश जी, वर्तमान हालातों में कोविड-19 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना को आप कैसे देख रहे हैं? पूरा विश्व इसमें प्रभावित हुआ है जी। इसके अंतर्गत सभी लॉकडाउन हुआ पड़ा है, सभी काम धंधे बंद हैं जी। इसी बीच में भारत सरकार ने जितने हमारे उज्ज्वला ग्राहक थे उन सबको मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा करी थी। इसके अंतर्गत अप्रैल में एक सिलेंडर, मई में एक और जून में एक, ऐसा अभी 3 महीने में 3 फ्री सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत उनको ये राशि पहले ही डाली जाएगी। जैसे अगर उनको अप्रैल में सिलेंडर देना है तो हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में 760 रुपए लगभग जो कीमत होती है उसके बराबर की राशि उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डाल दी गई थी, ठीक है, ताकि कस्टमर उस राशि का उपयोग करके वो अपने सिलेंडरों को खरीद सके उससे। ये तो हमारा मेन था, लेकिन इसके साथ में ये भी चीज जुड़ी हुई थी कि अगर वो जैसे अप्रैल में सिलेंडर लेते हैं तो उसको लेने के बाद उसको मई के महीने के फर्स्ट वीक में हमने उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया ऑलरेडी, जिन लोगों ने अप्रैल में लिया है, ठीक है। और मैं अगर रामपुर जनपद की बात करूं तो हमारे यहाँ लगभग, अगर उज्ज्वला लाभार्थियों की बात करता हूं तो लगभग 1,90,000 के करीब हमारे रामपुर के अंदर जो है लाभार्थी हैं जिनको, जिन्होंने इस योजना का जिनको फायदा मिला है। मतलब रजनीश जी, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। आपने जैसे कहा कि 3 सिलेंडर इनको निशुल्क मिलने हैं और वो धन उनके खातों में भेजा जा रहा है। अगर अप्रैल महीने में कोई लाभार्थी गैस का सिलेंडर नहीं लेता है, वो जो पैसा उसके अकाउंट में आया था उसने सिलेंडर नहीं खरीदा, तो क्या मई और जून में इस योजना का उसको लाभ मिल पाएगा? नहीं, अगर वो इस पैसे से अपना सिलेंडर नहीं खरीदना चाहते, ये जानना चाहते हैं ना? जी जी जी। अगर वो इस पैसे से अगर वो अपना सिलेंडर नहीं खरीदेंगे जी तो उनको अगले माह में इसके पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो धनराशि है वो इनको सिर्फ सिलेंडर खरीदने के लिए दी है सरकार ने, ताकि अप्रैल में हम के अकाउंट में पैसा हमने डाल दिया है, ताकि वो इस धनराशि का उपयोग अप्रैल में सिलेंडर लें। जैसे वो सिलेंडर लेते हैं उसी डाटा बेस के ऊपर हमने मई के जो फर्स्ट वीक में पैसा डाल दिया गया है, लेकिन कुछ लाभार्थी जो बच गए हैं, किसी वजह से बच गए हैं, जो अप्रैल में नहीं ले पाए अपना सेंडर, मान लो उनका पुराना सेंडर नहीं खत्म हुआ था, वो जो अभी भी पुरान भी ले रहे हैं तो भी उनका पैसा हम उनका ट्रांसफर अकाउंट में कर देंगे, ये मानते हुए कि उनका अप्रैल का सेंडर लिया गया। बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और आप इन पेट्रोलियम कंपनीज के नोडल अधिकारी रामपुर में नियुक्त हैं। लॉकडाउन के कारण लाभार्थी गैस एजेंसी तक नहीं आ पा रहे होंगे, ऐसे में उन तक विधिवत रूप से किस तरीके से गैस का वितरण हो पा रहा है? कि आप जानते हैं कि रामपुर के अंदर हमारे जो एजेंसियां हैं, अभी लॉकडाउन के दौरान हमारी एजेंसियां कोई भी जो है सिर्फ हम होम डिलीवरी पे इंसिस्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी आदमी घर के बाहर ना निकले, उनको सिलेंडर उनके घर पे मुहैया कराया जाए। ये हमारी एक, इसके तहत हमारी जितनी एजेंसियां सभी लोगों को होम डिलीवरी दे रही है। हालांकि रामपुर में कुछ इलाके हॉटस्पॉट के अंदर भी है, वहाँ पे भी हमारे जो डिलीवरी मैन है वो पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ उनमें से एक एक करके अंदर जा रहा है, ताकि वहाँ पे उन लोगों को भी कोई, चलो हमारे अपना स्टाफ है उसको भी मतलब खतरे से बचाया जाए। तो होम टू होम डिलीवरी हम इसको दिलवा रहे हैं यहाँ पे जितने जितने पूरे क्षेत्र पे। रजनी जी, इन विषम हालातों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विषम हालात में हम यही बोल रहे हैं कि आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें,
हमारी तरफ से आपको सुविधा जो सरकार ने दी है तीनों सिलेंडरों की, आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। अपना अप्रैल का सिलेंडर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है उसको भी लीजिए, ताकि मई का पैसा आ जाए, और जब आप मई का लेंगे तो आपको जून का पैसा भी आएगा, ताकि आपको घर बैठे ये सुविधा सरकार ने दी है, पैसा हम एडवांस आपके अकाउंट में डाल दें और इस अकाउंट के पैसे से आप उसको फायदा उठाइए। अगर फिर भी एक लास्ट एक लाइन में बोला जाऊंगा, अगर किसी कस्टमर का फिर भी अगर कोई पैसा नहीं आता है एजेंसी से संपर्क करके, आजकल पोस्ट ऑफिस भी हमारे अकाउंट खोल रहा है, बदलवाइए अगर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो बदलवाइए, ताकि सरकार की तीनों सिलेंडर जो फ्री मिल रही है सुविधा इसका पूरा पूरा लाभ उठाए। रजनीश जी, आपने प्रधानमंत्री गैस उज्ज्वला योजना के संबंध में जो हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।